लास्ट लेक्चर तक हम लोग एल्कली अर्थ मेटल एल्कली मेटल्स पढ़ चुके थे। दो लेक्चर में वो कंप्लीट हुआ था, अब है हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सबसे पहले इनके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हैं हमारे पास? बी ई एम जी सी ए एस आर बी ए एंड आर ए। इसमें जो आर ए एलिमेंट है, ये हमारे पास आर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती। स्टडी कहाँ तक होगी? मैक्सिमम बी ए तक। और इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बी ई एम जी एंड सी ए। ये तीन ही हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन इन एलिमेंट्स में बेरिलियम बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी शो करेगा। देखो, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज हैं, उन सभी फैमिलीज में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, वो सबसे पहला एलिमेंट किसी ना किसी वे में बाकी अदर एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता ही है। ये हमने लास्ट लेक्चर में लिथियम के बारे में भी देखा था, अब हम यहाँ पर बेरिलियम में देख रहे हैं। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सभी अपने नीचे वाले एलिमेंट से हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते थे। तो इस केस में बेरिलियम की कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, बेरिलियम है, तो बेरिलियम की सबसे पहले बात करें तो पहली है हमारे पास कि ये कभी भी H2 के साथ रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद H2। बाकी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास, बेरिलियम इज एम्फोटेरिक वाइल ऑल अदर्स आर प्योर बेसिक। एम्फोटेरिक का मतलब हम जानते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करे उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो जो बेरिलियम होता है वो क्या होता है? वो एम्फोटेरिक होता है, बल्कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने नेचर में कैसे होंगे? वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कि अगर बेरिलियम की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराई जाए तो हमारे पास नाइट्राइड बनता है। तो जो बेरिलियम का नाइट्राइड होता है वो वोलेटाइल होता है, सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम का ही नाइट्राइड वोलेटाइल होता है। बाकी अगर इन में से किसी भी एलिमेंट के नाइट्राइड बनाए जाए तो वो सारे क्या होंगे? हमारे पास नॉन वोलेटाइल कैटेगरी के होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास, अच्छा, ये प्रॉपर्टी सभी के लिए, कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 4H2O मॉलिक्यूल। ये मैक्सिमम कितने H2O मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर सकता है, कितने H2O अपने सराउंडिंग में रख सकता है? सिर्फ 4 H2O इसके सराउंडिंग में आ सकते हैं। इसकी जो कोवेलेंसी है, बोल सकते हैं हम यहाँ से कि इसकी जो कोवेलेंसी है वो कोवेलेंसी कितनी है यहाँ पर? कोवेलेंसी हमारे पास 4। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़नी है। देखो, प्रॉपर्टी इसकी बहुत सारी हैं इस एलिमेंट्स में, मतलब अगर चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाए तो डिटेल में हम यहाँ से शुरू से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब कुछ इसमें पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये लेक्चर छोटा ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो डिफरेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। ठीक है, मतलब बाकी तो इसमें बहुत कुछ है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक टेबल दोनों चैप्टर डाले जा सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से सीक्वेंस डाले जा सकते हैं और पीरियडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाली जा सकती हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हम 11th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है जो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होती हैं। जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में अगर हमें देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में टॉप टू बॉटम आने पर बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए नहीं बताया जा रहा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कंटिन्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब अगर इस सीक्वेंस में बात करें तो लेफ्ट से राइट अगर हम जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर, बीए, आरए। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, शफल हो जाता है, मतलब आरए आगे आ जाएगा और बीए पीछे हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये रॉन्ग है। राइट सीक्वेंस क्या होगा? राइट सीक्वेंस होगा हमारे पास ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, आरए एंड बीए। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई जा रही। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम कलराइजेशन। फ्लेम कलर किस तरीके से होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से बताते हैं। फ्लेम कलराइजेशन क्या है? फ्लेम कलर का मतलब है जैसे अगर हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो वो फायर कैच कर लेता है, फ्लेम निकलती है उसमें से। उसका फ्लेम का कलर शो क्यों होता है?
उसका फ्लेम का कलर शो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक शेल से दूसरे शेल या फिर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है तो वहां पर एनर्जी का ट्रांजेक्शन होता है, और उस एनर्जी का ट्रांजेक्शन अगर विजिबल रेंज में हो जाए तो वही फ्लेम कलर शो करता है। ठीक है, तो अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम के फ्लेम कलर की बात की जाए तो ये फ्लेम कलर शो नहीं करते, डज नॉट शो फ्लेम कलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए ये फ्लेम कलर शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखने वाली टर्म है ये। इसके बाद बाकी के एलिमेंट्स की अगर हम फ्लेम कलर की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स है हमारे पास Ca, Sr एंड Ba। तो Ca का कलर है ब्रिक रेड, Sr का कलर है क्रिम्सन रेड एंड Ba का कलर है एप्पल ग्रीन। ऐसे याद रख सकते हैं ये BCA, तो BCA एक कोर्स भी होता है, पता होगा तुम लोगों को, तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है BCA, B फॉर ब्रिक रेड, C फॉर क्रिम्सन रेड एंड A फॉर एप्पल ग्रीन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फ्लेम कलर। अब है हमारे पास रिएक्टिविटी, इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी किस किस के साथ में पढ़ना है हमें। यहाँ पर हमें पढ़ना है H2O के साथ में, N2 के साथ में, एयर, कोक, CO2, इनके साथ में अगर ये रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं H2O के साथ में। देखो, कोई भी मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनमें से कोई भी अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है, स्टेटमेंट पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी मेटल M H2O के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस वहाँ से रिलीज करेगा। अब हाइड्रोक्साइड में MOH ट्वाइस आएगा, ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है +2, और H2O में क्या होता है हमारे पास H+ एंड OH-, तो यहाँ से ये OH- +2 वैलेंसी है, इसकी -1 वैलेंसी है, तो यहाँ से दो OH- इसके साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा MOH ट्वाइस और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेटल अगर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटलिक हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा अगर रिएक्शन करेगा तो। लेकिन अगर किसी केस में रिएक्शन नहीं करे तो क्या होगा, तो रिएक्शन अगर नहीं किया तो केस की हम बात करते हैं, जैसे कि बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, ये हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन किया किसी भी मेटल ने तो हाइड्रोक्साइड और H2 ही बनाना है, लेकिन बेरिलियम तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो अगर Be+H2 आ जाए तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, अगर यहाँ पर लिखा हो Mg+ कोल्ड वाटर तो हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना, मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, आगे हम बात करें बाकी के जो भी एलिमेंट्स अब हमारे पास बचे वो सभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट बचे, कौन कौन से बचे अब हमारे पास, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है, और रेडियम, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, मेटलिक हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस रिलीज कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो जैसा भी हमने पढ़ा भी था बेरिलियम का केस में, Be3N2 बना था, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है हमारे पास M, ठीक है, उसकी रिएक्शन अगर नाइट्रोजन गैस के साथ में की, N2 के साथ में की, तो क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड M3N2, ठीक है, M एंड N, M की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, जब इसे क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, M3N2 टाइप का नाइट्राइड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके आगे की टर्म है। क्वेश्चन में क्या क्या कभी कभी क्या दिया जाता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है A, इसकी रिएक्शन अगर N2 से कराई तो बना B को आगे हमने हीट किया तो वापस से A बना, B को अगर हम H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो C बनेगा, C क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे की टर्म क्या है हमारे पास कि अगर इस नाइट्राइड को आगे हम हीट कर दें तो हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर ये फिर से वही मेटल फॉर्म कर देगा जिसे ये बना है, मतलब M+N2 से बना था M3N2, इसे अगर हीट किया तो ये फिर से डिकम्पोज होके क्या बना, डिकम्पोज होके इसने M+N2 ही बना दिया। ठीक है, और अगर M3N2 की रिएक्शन अगर H2O के साथ में की, हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये हाइड्रोक्साइड बनाया और NH3 गैस यहां से ये रिलीज किया। ठीक है, ध्यान रखना है M3N2 + H2O क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्साइड के साथ में यहां से अमोनिया गैस निकालेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ N2 के साथ में ही रिएक्शन हो, यहां पर नाइट्रोजन की किसी भी फैमिली, मान लो यहां पर अगर फॉस्फोरस दे दिया होता तो भी रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होती। उस केस में क्या होता हमारे पास, यहां पर P2 बनता, ठीक है, और अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता तो हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोक्साइड तो फिक्स है हमारा, यहां पर NH3 की जगह क्या बन जाता हमारे पास, PH3 गैस बन जाती है, फॉस्फीन गैस यहां से रिलीज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी है हमारे पास एयर के साथ में। अब देखो जैसे कोई भी मेटल लिया हमने, मेटल M के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, आगे डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो M अगर एयर के साथ में रिएक्शन करता है तो एयर के जो मेजर कंपोनेंट है, वो मेजर कंपोनेंट क्या है, मेजर कंपोनेंट है उसमें O2 भी अवेलेबल होता है और N2 भी अवेलेबल होता है, और भी बाकी गैसेज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इन सब अलग अलग गैसेज से रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं एयर के साथ में रिएक्शन करने पर, ठीक है। अब कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इन सब का मिक्सचर हमें मिलता है, तो इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो M प्लस अगर N2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा M3N2, अभी हमने पढ़ा है N2 के साथ में रिएक्शन, पिछला टॉपिक यही था, M3N2 बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो N2 का तो हमारे पास प्रोडक्ट ये फिक्स हुआ। अब अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर पॉसिबिलिटी है ऑक्साइड बनने की भी और परऑक्साइड बनने की भी, डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, ठीक है। अगर मेटल है हमारे पास Be, बेरेलियम या मैग्नीशियम, तो वो ओनली ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर मेटल हमारे पास बेरेलियम और मैग्नीशियम के अलावा और कोई सा भी है, कैल्शियम दे दिया, स्ट्रॉन्शियम दे दिया, बेरियम दे दिया, तो वो क्या बनाएंगे, वो परऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ठीक है, याद रखनी है ये चीज हमें। तो अगर हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ में O2 प्लस एयर लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, M3N2 तो फिक्स है, M3N2 के साथ में ऑक्साइड या परऑक्साइड डिपेंड करता है BEMG या अदर एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर हमारे पास BEMG उसको H2O के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनाएगा, ये ओनली हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MOH2, ठीक है। और अगर परऑक्साइड वाले एलिमेंट के साथ में अगर उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए, H2O के साथ में रिएक्शन कराई जाए, तो क्या क्या बनेगा वहां से, वहां से बनेगा हमारे पास H2O2 एंड MOH2, हाइड्रोक्साइड के साथ में एक परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लो अगर हमें पूछा गया कि बेरेलियम की रिएक्शन कराई है एयर के साथ में, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनने के चांसेज हैं, और दूसरा हम देख लेते हैं कि कैल्शियम की रिएक्शन कराई है एयर के साथ में तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेरेलियम की जब रिएक्शन कराई जाएगी एयर के साथ में, तो अगर वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Be3N2 बनाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां से देखो ऑक्साइड बनने वाला है या परऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड बनने वाला है, तो ऑक्साइड क्या बन जाएगा हमारे पास, BeO बन जाएगा, अगर मैग्नीशियम है तो MgO बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम के केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, कैल्शियम के केस में Ca3N2 तो है ही, प्लस साथ में क्या बनेगा उसका, परऑक्साइड बनेगा, परऑक्साइड मतलब हमारे पास बनेगा यहाँ पर Ca2O, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होंगे। अच्छा आगे ये भी पूछा जा सकता है, अब देखो ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स में से धीरे धीरे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जो एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एडवांस में क्वेश्चन कंपाउंड के नाम ABC करके ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो जैसे वो क्वेश्चन दे हमें, अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है देखो उसी से जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारे पास कंपाउंड एक है ए, इसकी रिएक्शन हमने कराई एयर के साथ में, ठीक है, तो एयर के साथ में रिएक्शन कराने पर ये बनाता है हमारे पास बी एंड सी। यहां पर जो बी है वो है हमारे पास वोलेटाइल, ठीक है, और जो सी है उस सी का हाइड्रोलिसिस कराने पर, सी का अगर हाइड्रोलिसिस कराया तो ये हमारे पास कंपाउंड दे देता है सॉरी सी का हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमें हाइड्रोक्साइड दे देता है। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा इसका, AOH2। तो बताओ ए क्या होगा, ए बी या सी, कुछ भी पूछ सकता है कि क्या होगा। तो देखो किस तरीके से करना है कि एयर के साथ में रिएक्शन करने पर एक बन रहा है वोलेटाइल और ये हाइड्रोलिसिस कराने पर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब ऑक्साइड का मतलब क्या है,
ऑक्साइड किस में बन सकते हैं? ऑक्साइड ओनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। परऑक्साइड तो है नहीं, अगर परऑक्साइड होता तो यहाँ पर H2O2 भी गिवन होता, तो यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है। अब ये वोलेटाइल है तो किसका नाइट्राइड, देखो ये तो हुआ हमारे पास ऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में यही प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये नाइट्राइड अगर वोलेटाइल है तो वोलेटाइल के केस में ये ओनली बीई ही हो सकता है, मतलब ये क्या होगा हमारे पास Be3N2 ही होगा, क्योंकि बाकी अदर एलिमेंट्स के जो नाइट्राइड होते हैं वो क्या होता है नॉन वोलेटाइल, तो इसका मतलब ए क्या होगा हमारे पास, ए हुआ बीई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए होगा हमारे पास बीई, बी हो जाएगा हमारे पास Be3N2 एंड सी क्या हो जाएगा हमारे पास BeO, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास CO2 के साथ में रिएक्शन। अगर CO2 के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो देखो दे ऑल्सो बर्न विथ CO2, ये CO2 के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं, मतलब अगर इनकी रिएक्शन CO2 के साथ में कराई जाए तो ये ऑक्साइड दे देंगे और कार्बन को अलग बाहर निकाल देंगे। मतलब इसने क्या किया, इसने कार्बन में से ऑक्सीजन छीना और खुद के साथ रिएक्शन करवा लिया, मतलब इसने कार्बन का क्या कर दिया, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो CO2 के साथ में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ऑक्साइड दे रहे हैं एंड कार्बन को अलग बाहर निकाल रहे हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट रिएक्टिविटी है हमारे पास इसमें कोक के साथ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बाइड के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें, बेरिलियम के साथ में अगर कार्बन रिएक्शन करता है तो बेरिलियम के साथ में जो कार्बन रिएक्शन करके बनाएगा कंपाउंड वो है हमारे पास Be2C। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेरिलियम कार्बाइड, Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें चार्ज याद रखना है कि किस किस तरीके से चार्ज होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, कि करके सबके बारे में बात करेंगे। तो जो Be2C पर चार्ज है, कार्बन के ऊपर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है हमें पता है, तो कार्बन का चार्ज कितना होगा यहाँ पर -4, और इसको बैलेंस करने के लिए दो बेरिलियम है, मतलब बी के ऊपर कितना चार्ज होगा यहाँ पर +2, तो Be+2 दोनों मिलकर 4 चार्ज बना रहे हैं और कार्बन के 4 चार्ज के साथ यहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब बेरिलियम कार्बाइड तक तो ठीक है, यहाँ पर भी कार्बाइड बन रहा है, यहाँ भी मैग्नीशियम का कार्बाइड बन रहा है, यहाँ पर भी कैल्शियम का कार्बाइड बन रहा है, और तीनों के केस में अलग अलग टाइप के कार्बाइड है, ठीक है। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो वहां से भी अलग अलग टाइप की गैस रिलीज होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बेरिलियम की रिएक्शन जब कार्बन के साथ कराई तो क्या बना हमारे पास, बेरिलियम कार्बाइड, और बेरिलियम कार्बाइड मतलब Be2C का, जब H2O के साथ में चार मॉलिक्यूल लगेंगे यहाँ पर, तो H2O के साथ में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर, CH4 गैस रिलीज होगी, मीथेन गैस रिलीज होगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। अच्छा बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो यहाँ पर जैसी बेरिलियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है वैसी ही सेम एल्यूमिनियम भी शो करेगा, यहाँ बेरिलियम की जगह एल्यूमिनियम भी हो सकता है, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर बेरिलियम के साथ में शो करता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और जब कार्बन रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हमारे पास मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड फॉर्मूला Mg2C3। अब इस Mg2C3 में चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, Mg के पास +2 दोनों Mg के पास, और कार्बन C3 को मिला के टोटल चार्ज है -4, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, इन कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, और यहां पर हमारे पास एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहां पर पूछा जाता है कि रिएक्शन करने के बाद और रिएक्शन करने के पहले, मतलब यहाँ पर जो कार्बाइड बना यहाँ पर अगर H2 के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो टोटल कितने नए पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर इंपोर्टेंटली याद होनी चाहिए किस तरीके का कार्बाइड यहाँ पर बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन जब H2O के साथ में कराई जाएगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ से प्रोपाइन गैस रिलीज होगी C3H4, ठीक है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की रिएक्शन जब कार्बन से कराई गई तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है हमारे पास CaC2। CaC2 की स्ट्रक्चर कैसे होगी, जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C,
तो ये सी ए सी यू टू कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर। यहां पर है हमारे पास इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई और एक सिग्मा, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा H2O के साथ में रिएक्शन कराई जाएगी, तो ये कौन सी गैस रिलीज करेंगे, यहाँ से एसिटिलीन गैस रिलीज करेंगे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ये एडवांस में भी दो से तीन बार पूछा गया है घुमा घुमा के, और जेई मेंस और नीट में तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो कौन सी गैस रिलीज होती है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर N2 के साथ में करा दी जाए तो N2 के साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास CaCN2 प्लस C, और CaCN2 प्लस C इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को मिला के बोला जाएगा नाइट्रोलिनेसे हम बोलते हैं, ठीक है। और जो ओनली CaCN2 है ये हमारे पास कैल्शियम साइनेमाइड। अगर कैल्शियम साइनेमाइड की रिएक्शन H2O के साथ में कराई जाए, हाइड्रोलिसिस कराया जाए, मॉलिक्यूल भी याद रखने हमें कितने कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं, यहाँ पर टोटल तीन मॉलिक्यूल लग रहे हैं, तो क्या होगा, CaCO3 यहाँ से अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास NH3 एंड CaCO3। तो ये थी हमारे पास एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है। ये हमें बिल्कुल पढ़ के चलना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना है ये बिल्कुल, ठीक है।